जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। हमने देखा एयरपोर्ट पर किस तरह से विदेश मंत्री और तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पे उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर आज के दिन को इस समारोह को देखा जा सकता है। अजय, ये दृश्य सामान्य नहीं है, ये सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता का प्रतीक उसकी यात्रा है। ये दो विश्व मित्रों के एक साथ मिलने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की शोभा यात्रा है। ये ऐसे दृश्य हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहें नहीं हैं, बल्कि ये समूचा विश्व इन दृश्यों को देख रहा है कि कैसे दो महाशक्तियां, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फ्रांस जो कि यूरोजोन की एक बड़ी महाशक्ति है, कैसे दोनों नेता सहज तरीके से, सरल तरीके से रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए कैसे जन समुदाय है उनका स्वागत कर रहा है, एक झलक पाने के लिए कैसे समूचा जयपुर उमड़ पड़ा है, ये देख रहे हैं। रात्रि में और भी खूबसूरत जगमगाता जयपुर, वहाँ की सड़कें, वहाँ के प्रतिष्ठान लोगों के हुजूम से भरे हुए और इस शोभा यात्रा का गवाह बनने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक तस्वीर को कैद करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये न भूतो न भविष्य की, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं जयपुर के शहर में। इससे पहले अहमदाबाद ने दो राष्ट्र नेताओं को देखा, शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप को, जयपुर ने ऐसा कभी नहीं देखा। पहली बार जयपुर को ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के गणतंत्र दिवस परेड से पहले सांस्कृतिक शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वहाँ के नागरिकों के साथ रूबरू हुए हैं। ये भारत है, ये भारत की विविधता है, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ये भारत का विश्वास है जिसमें हम विरासत और विकास को एक साथ ले जा करके अपने नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग पर बढ़ावा देना चाहते हैं। सांस्कृतिक धरोहर से शुरुआत करते हुए आज हम बात विकास की भी करेंगे। जब यात्रा खत्म होगी इस हेरिटेज रोड शो की, तो हम बात करेंगे विकास के उन मुद्दों पर जो दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे उन वैश्विक मुद्दों की जो नई दिशा देंगे संपूर्ण विश्व को। हम बात करेंगे उन संबंधों की, हम बात करेंगे उस नए युग की जहां पर ये दोनों ही राष्ट्र और भी ज़्यादा करीब होते हुए दिखाई देंगे। स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, बर्लिन, हर कोई देख रहा है कि ये दोनों नेता क्या कुछ करते हैं। और बड़ी बात, अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं हवा महल से जहां पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा। अमृत, क्या कुछ देख पा रहे हैं इन दृश्यों में? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है क्या, पूरी दुनिया के लिए ये अभूतपूर्व तस्वीरें जो हैं उनका मतलब है क्या, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। अमृतपाल सिंह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दृश्य वाकई अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। किस तरह से विश्व के दो बड़े नेता एक साथ जयपुर में इस वक्त मौजूद, और भारत का भविष्य, चाहे वो डिफेंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के संबंध लगातार समृद्ध होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं अमृत? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको, आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है अमृत। इन तस्वीरों को जरा हमें समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से जयपुर की सड़कों पर विश्व के दो दिग्गज नेता एक साथ देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, और लोग भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैसे देखा जाए विश्व की दो शक्तियां एक साथ? विश्व की दो शक्तियां एक साथ तो हैं ही जयपुर की सड़कों पर लोगों की आवाज सुन रहे हैं आप पीछे, हजूम जो उमड़ा है इस गुलाबी शहर की सड़कों पर, उनमें उनकी आवाज में जो बुलंदी है, वो कल मैक्रॉन साहब कर्तव्य पथ पर बैठेंगे और स्टेट की जो मिलिट्री माइट होती है या भारत की जो ऑफिशियल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफिशियल वर्जन उसका होता है जी,
इमैनुअल मैक्रों इस वक्त की आसमान में मानो होगी, पर अमृत हमें आपकी आवाज सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम कोशिश करेंगे आपके ऑडियो को और थोड़ा सा बेहतर करने की अपने दर्शकों के लिए, लेकिन आज ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रों समझ नहीं पा रहे होंगे कि इतनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री वो बीच बीच में वो कुछ पूछते भी जा रहे हैं उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है जो रोचक तरीके से उनको जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं उनको समझाने का। मैक्रों ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि मोदी मोदी की ये जो आवाज़ आ रही है इतनी पॉपुलरिटी कैसे है, और दोनों ही नेताओं के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है कि लगातार दो बार अपने अपने राष्ट्र को नेतृत्व देने का मौका मिला है। इमैनुअल मैक्रों भी दूसरी बार चुने गए लगातार, प्रधानमंत्री मोदी को भी मौका मिला भारत की सेवा करने का, तो इस वक्त मैक्रों मोदी मोदी की आवाज़ सुन करके उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा रहे होंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश की विरासत को इमैनुअल मैक्रों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने की कोशिश शायद ये कर रहे होंगे कि देखिए ये मेरा एक छोटा सा शहर है और कितना प्यार, कितनी आत्मीयता, कितने गर्मजोशी के साथ यहाँ लोग मिलते हैं अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, इस परंपरा को जीने वाला ये भारत, इस भारतवर्ष का शहर और इस शहर का एक एक व्यक्ति अपने अतिथि के स्वागत में किस तरह से अपने घरों को छोड़ करके इस सर्दी की रात में बाहर निकलता है और जगमगाते जयपुर के बीच स्वागत के लिए तैयार है, न केवल मोदी मोदी बल्कि इमैनुअल मैक्रों की भी स्वागत की जो पूरी तैयारियां की गई हैं उसका मुजाहिरा इस वक्त आपको गुलाबी नगर की खूबसूरत सड़कों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, गुलाबी ठंड के बीच गुलाबी शहर गुलाबी नगर के लोग अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि नेता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उनका वेलकम कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पुष्प की बारिश हो रही है। और इन्हीं तमाम तस्वीरों को भारत का, जैसा कि आपने कहा, अतिथि देवो भव, उन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए इमैनुअल मैक्रों भी समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत की जनता, यहाँ के लोगों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो उन पर लुटाया जा रहा है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं, पुलिस के लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और जगह जगह आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से भारत फ्रांस मैत्री संबंध से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, और इस संबंध को कि जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात लगातार हम कर रहे हैं, किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में एक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी, वो फ्रांस के राष्ट्रपति ऐसे विश्व के पहले नेता जो कि साल 2024 में मेरे ख्याल से वो पहले नेता हैं जो कि भारत की सरजमी पर आए हैं, और इतने बड़े फंक्शन में जो कि कल वो शामिल होंगे, तो ये भी एक तौर पे कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरह से नई ऊंचाइयों पर छूते जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में जयपुर की जनता उनके स्वागत के लिए वहाँ पर इतनी ठंड में भी, जबकि अब शाम के 7 बजने वाले हैं, वहाँ पे वो मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। आपसे कुछ ही देर के बाद वो हवा महल पहुँचेंगे, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये देखिए इस होर्डिंग्स में इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप को लेकर यहाँ पे चर्चाएं की जा रही हैं। तो ये डॉक्टर अंशु बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के ज़रिए भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो संबंध मजबूत हैं उसको एक और नए अध्याय तक पहुँचाने की कोशिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पर जब हम भारत और फ्रांस के संबंधों को देखते हैं तो एक विश्वास की कड़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दोनों ही देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक अलग किस्म की मैत्री के बंधन में बांधती है। और उसी को ये दोनों जो शक्तिमान नेता मुझे इस समय नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से लोग जयपुर के उनका झूम झूम कर अभिवादन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा विहंगम दृश्य मैं कहूंगी, और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से भी, और दोनों ही देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको भी आगे ले जाने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य। देखिए पोस्टर दिख रहा है माननीय प्रधानमंत्री का, लीडर ऑफ भारत, मेरा भारत लीडर, लीडर ऑफ भारत, भारत। और जो हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से इंडिया को भारत
के तौर पर पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसका कहीं ना कहीं बड़ा एक ये सुंदर मुझे दृश्य दिखाई पड़ रहा है, लोग अभिवादन कर रहे हैं और ये एक लीडर्स टू पीपल कनेक्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और हम देखते हैं कि कैसे जब हम भारत फ्रांस संबंधों की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चरल पिलर, इकोनॉमिक पिलर और एकेडमिक पिलर, ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिस पर दोनों ही देशों के सामरिक संबंध प्रगाढ़ होते चले आए हैं। यहाँ मैं एक और स्तंभ जोड़ना चाहती हूँ, पीपल्स पिलर। जिस तरह से लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और जिस प्रकार से जयपुर की गुलाबी धरती को मैक्रॉन ने देखा होगा तो अभिभूत तो वो भी हुए होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एक सांस्कृतिक संबंध दोनों ही देशों के हैं, ये एक सामरिक संबंधों के नए अध्याय के रूप में फलित होते हुए हमें निश्चित तौर पर नजर आएंगे।